हाँ भाई, तो कैसे हो सारे? बढ़िया। तो जियान भाई का अगेन एक लेटेस्ट इंटरव्यू निकला है, जिसमें वो फिर से अपने पापा हनी सिंह के बारे में बातचीत करते हैं। बहुत कुछ बताया, इम्पोर्टेंट क्लिप्स आगे शो कर दूंगा। उससे पहले एक स्टोरी बता देता हूँ अपने ही मुंह से, जो जियान ने इंटरव्यू में बताई है। हाउ वॉज ही मेट फर्स्ट टाइम विथ हनी सिंह? तो भाई देखो, स्टोरी कुछ ऐसी थी कि ये जो है बंदा रैप करता था इंग्लिश में कूल इक्वल के नाम से, और ये सबको पता है कि इनका नाम बादशाह हनी पाजी ने ही रखा था, और ये इंग्लिश में रैप करते थे तो ये भी हनी पाजी ने ही बोला था कि भाई तू हिंदी में रैप कर, यही फ्यूचर है, वेस्टर्न रैपर्स को कॉपी मत कर, कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे अलग स्टोरी बताई थी। बेसिकली हनी पाजी के मैनेजर थे अनूप नाम से, तो वो जो है जियान भाई से मिले। उन्होंने कहा कि भाई तुमको एक तगड़े बीट प्रोड्यूसर से मिलवाता हूँ, म्यूजिक प्रोड्यूसर से। तो उन्होंने नाम पूछा जियान ने, तो उन्होंने बताया हनी सिंह। तो जियान पहले से ही जानता था हनी पाजी को, तो फिर भाई दोनों की बातचीत कराई। तो जियान ने डिमांड रखी कि भाई आपके साथ में मुझे एल्बम करनी है पूरी की पूरी, आप मुझे म्यूजिक प्रोड्यूस करके देना। तो हनी पाजी ने भाई अपने काम के पैसे मांगे कि भाई 10 लाख रुपए लगेंगे। तो जियान ने जैसे तैसे अरेंज करे, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करके, और पेरेंट्स को भी हनी पाजी से मिलाया, 3 लाख एडवांस दिए। साथ में दोनों ने एल्बम कर ली, गेटअप जवानी ट्रैक भी शूट कर लिया, काफी कुछ करा। इसके बाद से जियान भाई ने बताया कि भाई मुझे ना कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, मेरे पैसे वगैरह भी लग गए थे, है ना, और हम लोगों ने काफ़ी काम करा पर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, और इसलिए फिर थोड़ी थोड़ी दूरियां भी बन गई। हनी पाजी अपने स्ट्रगल में लग गए और मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे थे। तो भाई मुझे ऐसा लगता है ना, यहाँ पे भाई साहब को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, और ये थोड़ी भाई समझनी भी चाहिए। भाई कोई भी बंदा है ना भाई, तुमने उसको पैसे दिए, उसने तुम्हारा काम कर दिया, एल्बम बना दी। उस टाइम पर हनी पाजी भी इतने फेमस नहीं थे, अंडरग्राउंड आर्टिस्ट ही थे, है ना, स्ट्रगल कर रहे थे, बट उनकी जो बीट्स होती थी ना वो तहलका मचा रही थी, उनके जैसे बीट्स भी कोई नहीं बना पा रहा था इंटरनेशनल सीन में। तो भाई उन्होंने उसके पैसे मांगे थे, अब रिजल्ट निकलना या फिर नहीं निकलना वो उनके हाथ में नहीं होता है। उन्होंने तो भाई टॉप नॉच का काम दिया, बीट्स वगैरह प्रोड्यूस करी, बट हनी पाजी भाई बिजी भी रहे अपनी लाइफ में। स्ट्रगल बंदा पहले खुद का देखेगा या दूसरों का हाथ पकड़ेगा, है ना। इसके अलावा उनके माफिया मुनीर ग्रुप में और भी आर्टिस्ट जुड़ गए थे, रफ्तार इक्का, लिल गोलू, निंजा, मनी ओजला, जे स्टार, अल्फाज, काफ़ी आर्टिस्ट को वो संभालते भी थे, उनको भी काम करके देते थे और वो भी काम लेते थे। तो भाई इस वजह से इनको लगा कि मुझे अटेंशन नहीं मिल रही है, है ना, तो मैं क्यों रहूं साथ में। दैट्स वाई फिर ये लीप कर गए 2011 के एंड में। ऐसा कुछ सीन था, आप खुद भी इंटरव्यू जाके चेक कर सकते हो, लिंक दिए, बाकी इंपॉर्टेंट क्लिप है वो चेक कर लो, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि पर्सनल ग्रज ये रखते हैं या फिर नहीं, पर्सनली कोई हेट है हनी पाजी से या फिर नहीं, या इन फ्यूचर ये लोग मिलेंगे या फिर नहीं, चेक कर लो। देखो आपसे पूछना था कि इतना ट्रोलिंग होता है और ये सारा होता है, आप इंटरनली क्या सोचते हो उसके बारे में? मतलब मेरा पॉइंट ये है कि आई नो आई एम अ गुड पर्सन, और मैं किसी से भी फालतू में हेट नहीं करूंगा। मैं इनफैक्ट आई एम अ पर्सन जो हर किसी के लिए अच्छा चाहता है। तो अगर मैं मेरी किसी से कोई प्रॉब्लम है, किसी मुद्दे की वजह से ही हुई है ना, फालतू में तो मैं कोई प्रॉब्लम है नहीं, और ना मैं बुली करता, समझा भी चुका एक दो बार, बट उसके बाद भी अगर कोई नहीं समझ रहा तो फिर दे डू व्हाटएवर दे वांट। मैंने कोशिश की एक दो बार कि हाँ यार मैं करूँ, बट एक दो बार में मुझे समझ आ गया मैं कर नहीं सकता, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा। आई माइट बी रॉन्ग, बट मैं बहुत कॉन्फिडेंट इस चीज़ को लेकर। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग दोनों को ना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, फर्क बाकी लोगों को पड़ता है। क्योंकि बहुत लोगों का जब भी कोई दो लोग में कंफ्यूजन होता है ना, बहुत लोगों का बिजनेस चलता है। बट मैं आपको भी एक बात बताऊं, मतलब मेरे पास आके किसी ने अगर बुराई करी है ना, तो मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, मतलब मेरा शायद ऐसा रहा होगा, मैं गाली दे सकता हूं, कोई और नहीं दे सकता। ट्रू, दैट्स द ओनरशिप। हां, मेरा ऐसा रहा भी। और दूसरा कि ये भी रहा है कि मुझे वो इंसान पता है तो तू मुझे मत पता। ट्रू, मुझे फर्क सिर्फ अपनी चीज से पड़ता है। मैं सेल्फिश हूँ, मतलब मैं उस हनी के बारे में नहीं, किसी के बारे में भी मेरे को सुनना ही नहीं पसंद। मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग दोनों को साथ में आना चाहिए, और उसकी शुरुआत करने के लिए अगर मुझे मेहनत करनी पड़ेगी तो मैं करूंगा। दोनों को हाथ जोड़ लेंगे क्या फर्क पड़ता है? मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता, आई एम कंप्लीटली ओके। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग दोनों ने साथ में मिलकर जो गाने किए थे ना, जो काम किया है, वो काम ना सालों तक चला है, और आने वाले भी पता नहीं कितने डेकेड तक चलेगा। आई लीव अप टू यू बोथ, आई डोंट वांट टू फोर्स। ग्रज तो भैया कोई भी ग्रज थी भी तो मिट जाती है, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो टाइम ठीक नहीं है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि ग्रज है ही नहीं। गुस्सा आदमी उसी से होता है जिसके साथ रिश्ता होता है, जिसके साथ रिश्ता नहीं तो उसे गुस्सा क्या होगा। True.
हनी पाजी पता है कहाँ पे गलत बन जाते हैं? रीजन ये है भाई, फर्क बस इतना है ना कि राखी और जो जियान है, ये दोनों तो खुल के इंटरव्यू में बता देते हैं हनी पाजी के बारे में कि ऐसा किया वैसा किया, तो जनता भाई उनको गलत समझने लगती है, क्योंकि हनी पाजी कभी भी इनसे रिलेटेड बातचीत करते ही नहीं है खुल के। और उसका रीजन है भाई, इसी वजह से हनी पाजी पे डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है नेटफ्लिक्स की साइड से, क्योंकि हनी पाजी इतने मिस्टीरियस पर्सन जो हैं वो इंटरव्यूज नहीं देते थे भाई पहले, उनको भी पता था भाई फ्यूचर में कुछ तगड़ा ही सीन होगा, तो डॉक्यूमेंट्री का वेट करो, काफ़ी कुछ रिवील करेंगे वो। अगर हनी पाजी भी बोलते ना इनके बारे में बातचीत करते, तो फिर भाई हमेशा कन्फ्यूज़न रहती फैंस में। बाकी आपको क्या सीन लग रहा है ओपिनियन दे दो कमेंट्स में, और वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। बाय।